जनपद के थाना मैनाचेर अंतर्गत ग्राम जाफरपुर में दो दिन पूर्व शादी रचाने वाले दंपत्ति पर परिवार के ही सदस्यों द्वारा जानलेवा हमला करके घायल करने व नकदी व जेवरात लूट लिए जाने की घटना प्रकाश में आई है। शुक्रवार को गौसिया नामक विवाहिता अपने पति गौसे आलम के साथ SSP कार्यालय पहुंची। इनका आरोप है कि इन दोनों ने परिवार की मर्जी के मुताबिक अपने धर्म के अनुसार शादी की है, लेकिन शादी के अगले ही दिन 25 नवंबर 2021 को जब उन्हें घर आने का न्योता दिया गया तो गौसिया अपने पति ससुर व देवर आदि के साथ अपने मायके थाना कुंदर की ग्राम मेहरौली पहुंची तो गौसिया के जीजा व उसके परिवार वालों ने उस पर व उसके पति और देवर आदि पर जानलेवा हमला करके उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित दंपति का ये भी आरोप है कि हमलावर नकदी व जेवरात भी लूट कर ले गए। इस संबंध में दो दिन पूर्व शादी रचाने वाले दंपति गौसिया एवं गौसे आलम से बात की गई तो उन्होंने बताया मेहरौली की रहने वाली जाफरपुर में शादी। कब हुई है शादी? 3 दिन हो गए शादी हुई। तब क्या बात हुई? बात यह है ऐसे ऐसे मेरे बहनोई ने मेरे संग बदतमीजी की, मैंने घर वालों को बताया, फिर घर पे बुलाया तो मुझे सारी बहनों ने भाइयों ने सबने मारा, मार के मेरा जेवर था 7 तोले झुमकी वगैरह टच सब जेवर छीन लिया और मुझे मारा सब बहनों ने। अच्छा, आपके घर वाले चाहते थे कि इनके साथ में शादी हो? जी, अपने मतलब उन्होंने अपनी खुद मर्जी से किए तो उन्होंने शादी हमारी। आपके माँ बाप ने? जी। बहनोई क्या चाहते थे? बहनोई मतलब मेरा हाथ पकड़ा मुझसे बदतमीजी करना चाहता नहीं, वो था तो नहीं। वो चाहते थे कि शादी ना हो यहाँ पर। हाँ, वहाँ पहले भी आपसे मना करा था? मना करता था, मैंने अपने पति से बतलाया, इन्हें ऐसे ऐसे किया। तो अब क्या हुआ फिर शादी के बाद? शादी के बाद ये हुआ, हमें वहाँ बुलाया गया हमारे घर और बंद करके वहाँ सब लोगों को मारा, मेरी बहनों ने मेरा सारा जेवर छीना मारा। आपके बहन भाई भी आपके खिलाफ हो गए? जी, सब बहनोई के साथ हो गए वो सब। आप आज किससे मिली थी? कप्तान के पास आए हैं, वहाँ कुनर की गए तो वहाँ से कुछ बोलने पता नहीं मिला। कप्तान साहब से आपने क्या मांग की है? क्या मांग, वो ये कह रहे हैं काम हो जाएगा। जाफरपुर ग्राम जाफरपुर थाना मनाठेर जिला मुरादाबाद। क्या शिकायत है? मेरा 3 दिन पहले शादी हुआ था मैलोली से, उन लोगों ने अगले दिन मुझे बुलाया नाश्ते के लिए। किन लोगों ने? मेरे ससुरालियों ने। उधर जाके जो मेरा एक साड़ू है उसने मेरी बीबी के साथ बदतमीजी करी, लालपुर का लालपुर गंगवारी थाना मनाठेर नाम खई में। मैंने ससुरालियों से बोला था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सब ने मिल के इसको मारा, इसकी बहनों ने। मैंने इसको जेवर चढ़ाए थे 7 तोले के हार और झुमके बुंदे, वो सब छीन लिए, इसके बहुत निशान पड़े हुए हैं। थाना कुंदर की में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई मगर मेरी सुनवाई ना हो पाई। मेरे पापा के भी चोट लगी, मेरे भाई के भी, और सब ने उन्होंने कमरे में बंद करके मुझको मारा। मेरे भाई ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया जब हम थोड़े सुकून पे आए, नहीं तो उनका इरादा हमको मारने का था। मैं बस इंसाफ चाहता हूँ और ये मेरी बीवी है, हम मिलकर इंसाफ चाहते हैं। हमारा सामान सब छीन लिया। इनके घर वालों की मर्जी से हुई थी? घर वालों की, दोनों की घर वालों की मर्जी से हुई थी शादी। अच्छा, मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक? सब कुछ काम सही था, हमको पता नहीं था, उनका प्लान था हमें मारने का। कमरे में बंद कर लिया था नाश्ते के बहाने से, वो फिर मारा हमको, इसको तो बहुत मारा, इसके सबसे ज़्यादा इसको मारा, इसको जान से मारना चाहते थे वो, ताकि ये मर जाएगी और मेरे ऊपर रख देंगे। ये मेरी बीवी है। आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, थाना कुंदरकी में रिपोर्ट दर्ज कराई मैंने, कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आज किससे मिले थे? आज मैं कप्तान साहब से मिला हूँ, कप्तान साहब बोले बेफिक्र रहो इंसाफ होगा। क्या मांग की आपने? हमने ये मांग की है जो मैंने अपनी बीवी को जेवर चढ़ाए थे जो उन्होंने छीने हैं वो मिले हैं, और मेरा सामान जो भी है उधर वो मुझे दें। मैं बस ये चाहता हूँ इंसाफ हो मेरे साथ, और मेरी बीवी को बहुत, और वो जो मेरा साड़ू है उसको बंद करें, उसको सिखाएं कि औरत की इज्जत क्या होती है, किसी की औरत पे इज्जत पे हाथ डालने का क्या मतलब होता है।